इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक आपने हर वकील को काले कोट और सफेद रंग की शर्ट में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हमेशा ही वकील काला कोट और सफेद रंग की शर्ट पहनते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल वकालत की जब शुरुआत हुई यानी कि 1327 में, उस समय ड्रेस कोड के आधार पर न्यायाधीशों की वेशभूषा तैयार की गई थी। ऐसे में उस समय में जज अपने सिर पर एक बालों वाला विग पहनते थे, वही अदालत में वकील सुनहरे लाल कपड़े और भूरे रंग से तैयार गाउन पहना करते थे। लेकिन साल 1600 में वकीलों की ड्रेस में बदलाव किया गया। इसके बाद साल 1637 में ये प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल को जनता के अनुरूप ही कपड़े पहनने चाहिए, जिसके बाद वकीलों ने लंबे गाउन पहनने शुरू कर दिए। वही साल 1694 में जब ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी की चेचक से मृत्यु हो गई, तो उनके पति राजा विलियमसन ने सभी न्यायाधीशों और वकीलों को सार्वजनिक रूप से शोक मनाने के लिए काले गाउन पहनकर इकट्ठा होने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद कभी इस आदेश को वापस नहीं लिया गया और इसके बाद से आज तक ऐसा ही चला आ रहा है। इसलिए माना जाता है कि वकील काला कोट और सफेद रंग की शर्ट ही पहनते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।